और प्लस थ्री, ठीक है प्लस थ्री। अब इसमें करना क्या है कि मैक्सिमम बोलो, ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू बताओ या कम से कम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के दो वे होते हैं। एक फर्स्ट वे तो आप लोग देखो डेरिवेटिव के थ्रू करते हैं। इसका सबसे पहले डेरिवेटिव कर लो, ठीक है सबसे पहले क्या करना, डेरिवेटिव कर लिया। अगर डेरिवेटिव किया तो क्या करेंगे आप लोग, इसका डेरिवेटिव देखोगे तो डेरिवेटिव क्या आ गया, टू टाइम्स ऑफ टू एक्स माइनस वन, और टू एक्स का डेरिवेटिव टू और थ्री का जीरो। अर्जुन यस सर, ये बन गया फोर टाइम्स ऑफ टू एक्स माइनस वन, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स को जीरो करना। देखो ये था फर्स्ट स्टेप इसका, ठीक है स्टेप वन। स्टेप टू पे एफ डैश एक्स को कर देना है जीरो के इक्वल, फोर ऑफ टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और एक्स की वैल्यू आ गई वन बाई टू। डाउट तो नहीं आया कोई? अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी, वो इस पॉइंट पर होगी एक्स की वैल्यू वन बाई टू पर। क्या वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, उसके लिए आप लोग करोगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट। याद रखोगे क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव मतलब सिंगल से डबल कर देना, इसका डेरिवेटिव कर देना फिर से। ये बन गया एफ डबल डैश एक्स कितना बन गया फोर, और टू एक्स का क्या आ गया टू विच इज एट। अब बात सुनना मेरी, अगर डबल डेरिवेटिव आता है पॉजिटिव तो मिनिमम होगी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है एट एक्स इक्वल टू वन। बता की समझ, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आता तो मैक्सिमम होनी थी। मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू, और करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन पे एक्स की जगह वन बाई टू डाल दो, एफ ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स की जगह देखो वन बाई टू माइनस वन, उसका कर दो स्क्वायर प्लस थ्री, तो कट के कितना आया वन माइनस वन जीरो तीन, सो आंसर इज थ्री। सो मिनिमम वैल्यू इज थ्री, मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं की जा सकती है। एक मेथड तो ये था, लेकिन दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ क्या करना होता है, मेथड टू है ये, मेथड वन ही। क्या करना होगा इसमें, जो 2x माइनस वन है ना, 2x माइनस वन का स्क्वायर है, ठीक है 2x माइनस वन का स्क्वायर है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, पॉजिटिव होता है स्क्वायर हमेशा। अच्छा तो अब मैंने तीन जोड़ देने इसमें, तो तीन जोड़ दो, 2x माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, इस तरफ जोड़े तो थ्री इस तरफ जोड़ दो, ठीक है ये सारा बन गया क्वेश्चन। सो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। ये क्या बोलना चाह रहा है कि क्वेश्चन जो है f of x, ये देखो ये जीरो, ये वन, ये टू, ये आ गया थ्री और ये आ गया फोर। ये बोल रहा है कि f of x is greater than equal to थ्री। f of x जो है वो तीन के इक्वल हो सकता है, ये तीन के इक्वल हो सकता है, या तीन से बड़ा होगा, इस तरह समझा नहीं बात। मतलब f of x जो होगा या इधर से लेके इस तरफ बढ़ेगा, तो कम से कम वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं थ्री, थ्री से कम कोई वैल्यू नहीं, टू तो आएगा नहीं। तो इससे हमें पता लग गया, इधर से क्या पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू जो होगी ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी थ्री, एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड। डाउट तो नहीं आ रहा इसमें कोई, तो इसको एक बार नोट कर लो। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 6.5, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है ना, इसमें देखो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में बदलूंगा, कैसे बदलेंगे इसको देखना। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखना जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3x² लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिखूंगा 2a, इसको मैं मान रहा हूँ a, तो लिख दिया 3x, दिस इज 2 * 3x दैट इज 6x, बनाना मेरे को 12 है तो 2 मैंने अपनी तरफ से ले लिया, ठीक है दिस इज 2ab, 2 into 3x into 2 is 12x, ठीक है ये बना a square plus 2ab और plus b square बना, ठीक है 2 square मैंने अपनी तरफ से लिया। अगर ये अपनी तरफ से लिया, क्वेश्चन में थोड़ा था, तो नहीं था तो अपनी तरफ से लिया तो उतना ही माइनस कर दिया ताकि बैलेंस रहे, और क्वेश्चन में 2 है, एक बार फिर से देखना, ये इसको मैंने बोला a, इसको मैंने बना दिया 2, ये है a और ये बोल दिया b, फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने b का स्क्वायर अपनी तरफ से किया, ठीक है आगे अपनी तरफ से किया तो माइनस किया, और ये तो क्वेश्चन होगा। तो ये आप लोग देखोगे इधर से लेके इस पॉइंट तक ये बन चुका है क्वेश्चन फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें मैंने अप्लाई कर दिया, देखो एफ ऑफ एक्स क्या कर दिया 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना बन गया माइनस 4 प्लस 2 विच इज 2
माइनस का, डाउट तो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में चला गया, फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे, 3x plus 2 का whole square is always greater than equal to 0। अब इसमें से माइनस 2 कर दूंगा, 3x plus 2 का whole square minus of 2 is greater than equal to minus 2। ये सारा क्या बन गया क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, f(x) बड़ा होगा या बराबर होगा, ये देखो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, बड़ा इस तरफ तो मतलब कम से कम वैल्यू पता लग गई माइनस टू, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को पता नहीं कितनी जाएगी। सो मिनिमम वैल्यू हम लोगों को पता चलेगी कि मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस टू, मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस टू। डाउट तो नहीं आ रहा कोई इसमें, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो देखो आप लोग, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा भी इजी है लेकिन इसको जरूर देखो क्योंकि दूसरा बड़ा डिस्कस होना है आगे जाके ना, तो वो तो आपको आ ही जाएगा, पर इसको आप लोग देख लो कि फिर आगे ये यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आप लोग, थर्ड क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इसका बोलता है दैट इज फर्स्ट का थर्ड, और क्वेश्चन है आप लोगों का f(x) इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन। तो फिर से आप लोगों के लिए इजी है, आपने क्या किया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है हमेशा जीरो से बड़ा होगा, ये जीरो हो सकता है, विच मीन्स पॉजिटिव होती है स्क्वायर, तो उसको लिखने का वे है। अब देखना जरा, अगर मैं इसको नेगेटिव लगाता हूँ तो बेसिक आपको पता होगा ये सिंबल्स बदल जाते हैं, ठीक है। देन आपने 10 जोड़ना है इधर, ये बन गया x माइनस वन का स्क्वायर प्लस 10, तो ये बन गया लेस देन, और इस तरफ भी 10 बन गया, ये सारा बन गया क्वेश्चन f(x) इज लेस देन इक्वल टू 10। अब बात समझ आ जा रही है, क्या समझ आ जा रही है, ये 0 आ गया, ऐसे 1 आएगा, ऐसे 2 आएगा, और ऐसे कहीं जैसे 10 होगा। प्योर x जो है f(x) जो क्वेश्चन है 10 से कम है इस तरफ ना, या तो 10 के बराबर है या 10 से कम है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसकी 10 है, कम कोई पता नहीं, इस तरफ कम होती जा रही, कहां तक जाएगी हमें नहीं पता है। सो इसलिए हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू विल बी 10, ठीक है। डाउट नहीं आ रहा है, अगर बोला होता कि पॉइंट बताओ, वो पॉइंट कैसे बताएंगे, x माइनस वन इक्वल टू जीरो करके पॉइंट बताया जा सकता है, कितने पे होगा, 1 पे होगा, ठीक है। डाउट नहीं आ रहा इस पे। देन क्वेश्चन नंबर आप लोग देखें, जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, g(x)(x³+1) तो हम लोगों को ये पता है कि x³ जो होता है दैट कैन बी ग्रेटर देन 0 और कैन बी लेस देन 0, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना, पता ना क्यों। तो अच्छा मैं 1 जोड़ देता हूँ, तो x³+1 कर लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर कर लो x³+1 लेस देन इक्वल टू 1, इधर भी 1 आएगा। डाउट तो नहीं आ रहा कुछ, वन इस तरफ। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोलता है, क्या बोलता है ये, कि जो f(x) है, देखना ये क्या चीज बोलना चाह रहा है, इधर से इस चीज को देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जो फंक्शन है g(x) है, ठीक है, क्वेश्चन बन गया ना, g(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जो g(x) है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं ना, क्योंकि क्या ये बन गया आपका 0, ये बन गया आपका 1, ये बोल रहा है कि g(x) 1 से बड़ा इस तरफ, ये बोल रहा है g(x) 1 से छोटा इस तरफ, तो ना तो मैक्सिमम पता लग रहा है ना मिनिमम, ठीक है। सो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, डाउट कोई, पक्का क्लियर है सारी बातें। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलो, डाल आता है एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2, f(x) कितना है, मोड ऑफ एक्स माइनस वन। तो हम लोगों को फिर से ये पता है कि मॉडुलस का फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर माइनस कर लो इसमें,
माइनस वन किया, इस तरफ भी माइनस वन, ये क्या बन गया एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। तो इधर से क्या पता लगा, ये देखो ये जीरो आ गया, ये आ गया माइनस वन, ये बोल रहा है कि एक्स जो होगा या तो माइनस वन के इक्वल या माइनस वन से बड़ा। तो क्या पता लगा हमें, मिनिमम पता लग गया, क्योंकि इस तरफ की सबसे छोटी वैल्यू लगी पता माइनस वन, बड़ी से बड़ी वैल्यू कोई पता लगे, इस तरफ बढ़ती जा रही जीरो वन टू थ्री फोर कितना बढ़ेगा कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन मिनिमम जरूर पता लग गया सबसे छोटी वैल्यू माइनस वन है उससे पीछे नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन हैव अ मिनिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस वन। डाउट तो नहीं कोई यार। देन आ गया हम लोगों का पार्ट इसका टू। पार्ट टू क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स, वेरी गुड, मोर देन फंक्शन है फिर से जी ऑफ एक्स नेगेटिव में दे रहा, देखो एक्स प्लस वन है आई थिंक, एक्स प्लस वन प्लस थ्री, प्लस का थ्री आ गया, प्लस का थ्री आ गया। तो फिर से बातें वही करेंगे हम लोग, मॉडुलस फंक्शन के लिए वही बोल देंगे कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। फिर हम लोग लगा देंगे नेगेटिव, अगर नेगेटिव लग जाता है तो ये सिंबल्स बदल जाते हैं, पता है बात। फिर हम लोग तीन जोड़ देंगे ताकि क्वेश्चन बन जाए, सारे इधर से चीटिंग हो रही, तीन इधर जोड़ दिया तो इस तरफ भी तीन आ गया, ये सारा बन गया क्वेश्चन। तो जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री, क्या मतलब है, ये जीरो आ गया, ये वन आ गया, ये टू आ गया, ये थ्री आ गया, तो तीन से कम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू पता लगी ना, है ना। सो हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू थ्री, डाउट देन क्वेश्चन नंबर आप लोग आ जाओ नेक्स्ट में, ठीक है। सो देन हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, ये ठीक है, ठीक है, ये साइन ऑफ 2x प्लस 5, इसमें देखना, आज इस चीज को देखना बहुत अच्छे से कि जो साइन ऑफ 2x है ना, हम लोगों को ये पता है कि साइन की जो कम से कम वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है, और ज्यादा से ज्यादा साइन की वैल्यू 1 आती है, कॉस का भी होता है माइनस वन से 1। तो साइन ऑफ 2x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होता है या लेस देन इक्वल टू 1 होता है। फिर क्वेश्चन बना दो, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या बन गया साइन ऑफ 2x, 5 जोड़ दी, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बने। तो इस तरफ भी 5 जोड़ो तो 5 और 1 बन गया 6, और इस तरफ भी 5 जोड़ो तो ये बन गया 4, क्योंकि माइनस का 1 है। तो अब आपका ये बन गया f of x, क्वेश्चन है f of x less than equal to 6 और greater than equal to 4। तो f of x जो है अगर नंबर इसमें देखना होगा 0 बन गया, इधर ही कहीं पे 4 होगा और इधर ही कहीं पे 6 होगा, तो ये बोल रहा है कि 4 से बड़ा होगा और 4 के इक्वल है 4 से बड़ा, 4 के इक्वल है 4 से बड़ा, ये 6 के इक्वल है 6 से कम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई बताओ, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 6 और मिनिमम क्या आ गई 4, राइट, मिनिमम वैल्यू आ गई 4, मिनिमम वैल्यू इज 4। डाउट तो नहीं आ रहा इसमें, हां नोट कर लो इसको, देन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का साइन, देखो 4x प्लस 3 डिट्टो इसी तरह से काम करेंगे हम लोग, ठीक है, तो एक बार देख लो इसको, देख लो इस तरह से करेंगे हम साइन 4x प्लस 3, इसी तरह से लिख देंगे इसके भी कि जो साइन ऑफ 4x है वो हमेशा माइनस वन से बराबर या माइनस वन के इक्वल होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा, फिर इस पे 3 लगा दो, ठीक है, साइन ऑफ 4x प्लस 3 कर लिया तो ये बन गया, देखो इधर 4 बन गया और इधर कितना बन गया 2 बन गया, फिर इधर मोड लगा लो तो साइन ऑफ 4x प्लस 3 मोडलस लगा लो, इस तरफ भी मोड लगाएंगे तो 2 का मोड 2 होता है और 4 का मोड 4 होता है। तो देखो ये मिल गई आपको मिनिमम वैल्यू 2, हाँ, और मैक्सिमम वैल्यू ये होगी 4। डाउट तो नहीं आ रहा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, क्लियर है बातें। देन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का फिफ्थ और सेकंड का बिल्कुल लास्ट पार्ट है, और लास्ट पार्ट है, देखो इसको क्या बोल रहे हैं, फोर्थ क्या बोलता है, एच ऑफ एक्स, देखो एक्स प्लस वन है। अब मेरे किसी बता रहा कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, x जो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि रेंज देखो ना x की वैल्यू क्या दी है माइनस वन से वन, तो अगर माइनस डालोगे तो नेगेटिव, वन डालोगे तो पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा फिर इस पे वन जोड़ लो,
इधर भी वन आ गया, इस पर वन जोड़ लो इधर भी वन आ गया, ठीक है। इधर क्या बोल रहा है कि h ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इधर क्या बोलता है कि h ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। तो दो बातें कर रहा है ना ये, क्या दो बातें बोल रहा है, h ऑफ x ये मान लो 1 है, ठीक है, इधर मान लो ये 0 है, इधर ये 1 है, इधर ये 2 है। ये बोलता है कि h ऑफ x 1 से बड़ा हो सकता है इस तरह, या 1 के बराबर हो सकता है। दूसरा होता है h ऑफ x 1 से छोटा होगा, या छोटा होगा उसके एक के बराबर होगा, लेकिन मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो पता नहीं लग रही है, इसलिए हम लोग लिखेंगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्लियर है बातें, नोट कर लो। देन आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज वही है 6.5, और थर्ड पे देखो क्या है, देखो बोल क्या रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। देखो आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो निकालनी है लोकल, और पॉइंट भी निकालना है, दो चीजें हैं कि किस पॉइंट पर वो हो रहा है, ठीक है, किस पॉइंट पर वो निकल रहा है और उसकी वैल्यू क्या आ रही, दो चीजें हैं पॉइंट और वैल्यू, वो निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे, सारे स्टेप्स देखते चलना। स्टेप वन क्या करना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, बाद में स्टेप लेंगे। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव करना है, पहला काम क्या करना है, डेरिवेटिव बन गया 2x। दूसरा स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। तो ये आपने रख दिया 2x इक्वल टू 0, और इधर से आपको x की वैल्यू आ जानी है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना, देखो अब आप लोगों को ये बात इंपोर्टेंट आ गई, स्टेप 2 में जैसे ही आप लोगों ने डेरिवेटिव के इक्वल रखा तो आप लोगों को x इक्वल टू 0, ये आप लोगों को पॉइंट मिला, क्या मिला ये पॉइंट, क्या मिला ये पॉइंट। पर इस पॉइंट पे तुम्हें ये बताने लगा कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, पता नहीं समझ कि मैक्सिमा है मिनिमम वैल्यू हुई है, ये पता लग रहा है। और इस चीज का पता करने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव स्टेप करना पड़ता है, स्टेप 2 के बाद आना स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, डबल डेरिवेटिव, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, देखो सिंगल के बाद f डबल डैश x, तो 2x का 2 आ गया। अब डबल डेरिवेटिव अगर आता है पॉजिटिव, क्या अगर डबल डेरिवेटिव आता है पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव आया ना, तो ये होनी है मिनिमम वैल्यू, मिनिमा या लोकल मिनिमा बोल सकते हैं इसको आप लोग, और मिनिमम वैल्यू होगी उसकी, मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, फंक्शन पर, क्वेश्चन पर एक्स की वो वैल्यू निकाल देना जो निकली हो, 0 है 0 डाल दिया, आंसर इज 0, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है 0 होगी, मैक्सिमम को भी नहीं निकाल सकते। और ऐसे भी तुम लोग इस फंक्शन को इस तरह से देखो, एक्स स्क्वायर ना, इसकी कोई मेरे को मैक्सिमम वैल्यू बता सकता है, तुम बोलोगे कि सर 4, ठीक है, तुम बोलोगे कि x इक्वल टू 4 देख लो सर मैक्सिमम आएगी, तो मैं बोलूंगा तो x 5 डाल के देख लो तो मैक्सिमम आएगी। तो रोमी बोल देगी कि नहीं नहीं 5 नहीं सर 6 डालो, तो कोई बोलेगा 7 डालो, कोई बोला नहीं नहीं 500 डालो, कोई बोला 1000 डालो, कोई बोला 10000 डालो, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू की कोई रेंज ही नहीं है, कोई बोला 1 करोड़ डालो, कोई बोला 10 करोड़ डालो, समझ नहीं बात, लेकिन मिनिमम वैल्यू की इसकी रेंज जरूर है। सबसे मिनिमम मैं बोलूंगा 0 डालो, उससे नीचे कौन बोल सकता, कोई बोलेगा नहीं नहीं सर 0 नहीं -8 डालो, तो -8 डाल के देखो ये पॉजिटिव बन जाएगा, बात आ रही समझ, क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मतलब ये जो मेथड है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग इस अंडरस्टैंडिंग से बना सकते हैं कि नंबर से डाल के, लेकिन ये स्टेप्स है, एक मेथड है जिससे हम लोग किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोग समझ पा रहे बात मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या है सर, मैं ये पूछना था ना, पूछो पूछो। Then next question है, question number second, g of x equal to x cube minus 3x। अब इधर सोच के बातें करना थोड़ा difficult होता जा रहा है, तब लोग देखो सबसे पहले क्या करोगे, single derivative करेंगे, और इसका derivative क्या आ रहा है 3x square minus 3, second step क्या होता है, single derivative को equal to 0 करना होता है, ये बन गया देखो 3x square minus of 3 equal to 0, और ये क्या बन गया 3x square equal to 3, और x square equal to 1, और x की वैल्यू देखो प्लस माइनस 1। अब बातें सुनना जरा मेरी जोर से, x की दो पॉसिबिलिटीज दे रहा है, एक बोलता है 1 और एक क्या बोलता है -1।
अब आप लोगों को क्या करना है समझना, बातें सुनना जरा, रोमी सुनना मेरी बातें। अब आप लोगों को ठीक है, x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई वन, एक आ गई माइनस वन। अब आप लोगों को बताना है कि जी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव से पता लगेगा, इसका डबल डेरिवेटिव क्या है, जी डबल एस एक्स, तो वो क्या आ गया, सिक्स ऑफ एक्स। अब आप लोग x इक्वल टू वन के लिए इसकी चेकिंग करें, x इक्वल टू वन के लिए डबल डेरिवेटिव क्या, x की जगह वन डाला तो सिक्स आ गया, और सेकंड आप लोग माइनस वन के लिए चेकिंग करें तो जी डबल डैश माइनस वन क्या आ गया, माइनस सिक्स आ गया, तो ये क्या आया, पॉजिटिव, और इधर क्या आता है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो उसको बोलना है ये है मैक्सिमम, सॉरी ये है मिनिमम। अगर पॉजिटिव आता है तो आपने बोला है मिनिमम, ये बातें मेरी याद रखना, मिनिमम, और नेगेटिव पर मैक्सिमम। अब ये तो पता लग गया मैक्सिमम आया, पर तुम लोगों को क्या बताना है, सुनो सुनो इधर, तुम लोगों को क्या बताना है, तुम्हें बताना है वैल्यू बताओ, पॉइंट पता लग चुका है, पॉइंट इज एक्स इक्वल टू वन पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, और एक्स इक्वल टू माइनस वन पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, लेकिन वो वैल्यू होगी कितनी वो पता करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन पर वैल्यू डालनी है वन, वन जैसे पुट किया तो ये बन गया वन माइनस थ्री विच इज माइनस ऑफ टू, और दूसरे पे आपको मैक्सिमम वैल्यू के लिए माइनस वन डालना पड़ेगा, माइनस वन डालो तो माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन, और ये प्लस का थ्री बन गया तो ये बन गया टू। अरे बात सुनो, इधर से देखो पता लग रहा होता है, वन पे कितनी आई माइनस टू और एक आई टू, तो आपको पता है ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मिनिमम वैल्यू कहां मिल रही है, माइनस टू, कहां पे मिल रही है, वन पे, पॉइंट इज वन, मिनिमम वैल्यू इज माइनस टू, पॉइंट एट पॉइंट माइनस वन, मैक्सिमम वैल्यू होगी टू होगा। डाउट कोई इसी तरह का तो बोलो। देन आ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 6.5, और थर्ड पे क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। देखो फिर से वही फंडे करने, सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव एच डैश एक्स कितना आएगा, साइन का डेरिवेटिव बोलिए इस कॉस ऑफ एक्स, और कॉस का माइनस साइन एक्स। डाउट तो नहीं आ रहा कोई, हां डाउट तो नहीं आ रहा कोई इसमें, सर। अच्छा जी, फिर आप लोग इसको इक्वल टू जीरो करोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपने क्या कर दिया, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल कर दिया, जीरो के इक्वल कर दी, तो ये देखना जरा बात, वो भी देखो, cos of x equal to sin of x, दोनों इक्वल, ऐसी कोई वैल्यू होती है जिस पर दोनों इक्वल होते हैं, तो आंसर इज 45 पे sin और cos इक्वल होते हैं, तो x के लिए मैंने बोल दी 45 है, उसी पे इक्वल होते हैं। आप जरा देखना x equal to 45 पे तो आपने वैल्यू निकाल ली, क्या पता चलता है इससे, पॉइंट पता लगता है, क्या पता लगता है, पॉइंट, और उस पॉइंट पर क्या मैक्सिमम वैल्यू देगा फंक्शन या मिनिमम वैल्यू देगा फंक्शन, ये पता नहीं लगता है। बात मेरी समझ पा रहे हो, कि मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू, वो पता नहीं लगता है। वो पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, डबल डेरिवेटिव। तो सिंगल डेरिवेटिव ये पड़ा आप लोगों का, इसका डबल डेरिवेटिव कर लो, एच डबल डैश एक्स क्या आ गया, कॉस का माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, और साइन का क्या आ गया, कॉस एक्स बोलिए, और इधर से आपने ले लिया नेगेटिव कॉमन, तो ये बन गया देखो साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, पता लग रहा है डबल डेरिवेटिव क्या है, कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस एक्स। अच्छा, पर ये h डॉट डैश x तो आ गया, आप लोगों का पॉइंट क्या है, पाई बाई फोर, उस पे चेक कर लो जल्दी से, पाई बाई फोर पे चेकिंग की, तो ये क्या बन गया, वन ओवर रूट टू, क्योंकि साइन 45, और ये क्या बन गया, वन ओवर रूट टू, और ये ओवरऑल बात करें तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आएगा ना, नेगेटिव से कुछ भी करो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आता है तो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बोलिए, और मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पर होगी, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करोगे, फंक्शन पर, याद रखना फंक्शन पर, इधर वैल्यू डालनी है आपने, एक्स एच ऑफ पाई बाई फोर डालो इधर वैल्यू, साइन पाई बाई फोर क्या होता है, वन ओवर रूट टू, और कॉस वन ओवर रूट टू बोलिए, रूट टू एलसीएम ले लिया, और वन प्लस वन टू बन गया, टू को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट टू इंटू रूट टू ओवर टू, कटिंग कर लो, आंसर क्या आ गया, रूट टू। डाउट तो नहीं आ रहा, सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ टू, कोई डाउट है तो बोलो। देन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6.5 का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का
फोर्थ क्वेश्चन f ऑफ x देखिए sin ऑफ x - cos x, बात नोट करने वाली इसमें जो आपको रेंज दी है ना, पिछले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे क्वाड्रेंट है, 0 से 2 पाई मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री का कंप्लीट टर्म है, ये बात नोट कर पा रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों को देखो फंक्शन था sin ऑफ x - cos x, आपने डेरिवेटिव किया, sin का आ गया cos x, cos का क्या आ गया - sin x, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इक्वल टू जीरो करना, इसको जीरो किया तो क्या बना, दैट इज cos ऑफ x + sin ऑफ x इक्वल टू जीरो, व्हाट इट मींस दैट cos ऑफ x इक्वल टू - sin x। अब आप लोगों का दिमाग लगना शुरू होता है कि cos ऑफ x और sin ऑफ x तो बराबर है, देखना जरा चार क्वाड्रेंट है, इधर cos ऑफ x और sin x दोनों में बराबर होते हैं 45 पे, इधर क्या होता है, इधर दोनों फिर से बराबर होते हैं क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है ना इधर, पर इधर क्या होता है, इधर साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो इस पे 45 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पे 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, 90 प्लस 45, समझ पा रहे हो, 90 प्लस 45 समझ पा रहे, और इधर क्या वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज आएंगी, देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं लेता हूं पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, कौन सा क्वाड्रेंट आया है, देखो ये जीरो, ये है पाई बाई टू, ठीक है ये है पाई बाई टू, एक तो ये इस पे चेक कर लो और एक इस पे करूंगा मैं, देखो इधर इधर इसको क्या बोलते हैं, ये पाई होता है पाई, और इसको क्या बोलते हैं, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, तो एक आप लोग चेक करना एक्स की वैल्यू 3π/2 प्लस पाई बाई फोर पे चेक करके देखो, अगर मैं इस पे चेक करूं देखो cos ऑफ pi by 2 प्लस pi by 4 कितना होता है, sin pi by 4, देखो cos क्या बन गया, sin 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 yes sir, sin कितना pi by 4, sin pi by 4 yes sir, 90 प्लस नेगेटिव नहीं आना, 90 प्लस theta सेकंड क्वाड्रेंट yes sir, और एक आप लोग चेक करो sin pi by 2 plus pi by 4 कितना होगा, sin का बन गया cos pi by 2 पे सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा cos pi by 4, दोनों बोलो ये आएगा माइनस 1 और ये आएगा 1, दोनों इक्वल है पर नेगेटिव है, आप लोग समझ पा रहे हो बात मेरी कि नहीं समझ पा रहे हो, मतलब ये दो एंगल्स ऐसे हैं, इन दो एंगल डिग्रीज पर आप लोग वैल्यूज चेक करोगे तो दोनों इक्वल तो आएंगे लेकिन नेगेटिव का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू हुई चार एलसीएम ले लो, क्या बना ये 2 पाई यस सर प्लस पाई दैट इज 3 पाई बाय 4 बोलो, 4 एलसीएम ले लिया ना 2 पाई, और ये क्या बनेगा एक्स की वैल्यू बोलिए 4 दैट इज 6 पाई प्लस पाई दैट इज 7 पाई बाय 4, तो एक्स की वैल्यूज क्या-क्या होंगी 3 पाई बाय 4 एंड 7 pi by 4, ये दो वैल्यूज हैं जिस पर ये फंक्शन बराबर होगा, 3 pi by 4 एंड 7 pi by 4, किसी को डाउट तो नहीं जा रहा है माइंड में अभी, समझ पा रहे हो मेरी बात, अब पर इधर क्या है, ये आपके पास पॉइंट्स आए हैं, दो पॉइंट्स ले लिए आपने, पॉइंट्स ले लिए ऐसे तो कई सारे पॉइंट्स चले गए अगर रेंज ना दी हो तो, क्योंकि 2 pi 3 pi 4 pi सर्कल चलता रहेगा, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, x की वैल्यू 3 पाई बाय 4 और x की वैल्यू 7 पाई बाय 4 मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा उसका भी फैसला करना है, उसके फैसले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव क्या होगा, cos का माइनस sin ऑफ x और sin का cos ऑफ x, अब देखना सुनना सुनना बात है, x की जगह चेक कर लो एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 पे चेकिंग करें, 3 पाई बाय 4 पे क्या बन गया माइनस sin 3 pi by 4 plus cos 3 pi by 4 चेक कर सकते हो आप लोग जल्दी से, कर सकते हो वैल्यू चेक, हाँ ये चेक करो जल्दी से, और फिर आप लोग चेक करो at x equal to 7 pi by 4 पे, 7 pi by 4 पे आप लोग चेक कर लो, इधर ही आप लोग फंक्शन पे डालोगे डबल डेरिवेटिव हो गया ना, इधर ही आप लोगों का क्या बन जाना है f double dash 7 pi by 4 कैलकुलेट करोगे ये बन गया minus sin 7 pi by 4 plus cos 7 pi by 4, आप लोग एक बात समझो, sin जो है ना 3 pi by 4 आप लोग समझ पा रहे हो कौन से क्वाड्रेंट पे क्या, अभी तो वैल्यू ली सेकंड पे, सेकंड पे
थ्री पाई बाय फोर, सेकंड पे नहीं गया ये, पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर होता है थ्री पाई बाय फोर, पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर को होता है थ्री पाई बाय, किस पे, सेकंड पे, सेकंड का 45 डिग्री है ना, सेकंड क्वाड्रेंट पे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वन, और इसकी बोलो माइनस वन, और ये कितना आया, माइनस का टू। अब ये सुनना, ये जो सेवन पाई बाई फोर है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस वन आएगी सेवन, और माइनस माइनस प्लस का बन गया, ये नेगेटिव है, और ये क्या आएगा, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो वन आ गया, तो ये टू आई। तो ये आप लोगों का आ रहा है मिनिमम वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू बोलिए, और ये क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, डाउट तो नहीं आ रहा किसी को, माइनस टू आया तो मैक्सिमम वैल्यू आए, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, किस तरह से पता की जाएगी, वो पता करने गए कि वे है कि आप लोग ये वैल्यू इस पे डाल दें, तो एफ ऑफ थ्री पाई बाई फोर हम लोग पता करेंगे, तो थ्री पाई बाई फोर, साइन थ्री पाई बाई फोर डाल दो, साइन थ्री पाई बाई फोर क्या होता है, दैट इज वन, और ये क्या होता है, माइनस वन, बोलो कॉस, माइनस वन इज प्लस वन, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी टू, याद रखना, और मिनिमम वैल्यू कितने पे चेक करोगे आप लोग, सेवन पाई बाई फोर पे, सेवन पाई बाई फोर पे, फंक्शन पे डालनी है, सेवन पाई बाई फोर क्या होगा, माइनस वन, हाँ, और ये क्या होगा, प्लस का वन बन जाना है, यस सर, बोलो ये नेगेटिव का आएगा ना, और ये पॉजिटिव का आएगा, तो ये माइनस टू आ जाएगा, डाउट नहीं होना कुछ, देखो फंक्शन पे डालो सेवन पाई बाई फोर पे, साइन एक्स जो होगा वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो नेगेटिव होगा, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला 45 डिग्री तो वो आप लोगों का पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव पहले से मौजूद है तो वन वन बन गया माइनस टू, तो ये माइनस टू इज मैक्सिमम वैल्यू, आप लोग चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी माइनस टू, सॉरी मिनिमम वैल्यू आपकी आएगी माइनस टू, मिनिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव तो मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस टू, और मैक्सिमम वैल्यू होगी टू, मैक्सिमम वैल्यू होगी टू, और आएगी कितने पे, ये इधर से पता लग रहा है माइनस टू, इस पर आपको मिनिमम मिलेगी, डबल डेरिवेटिव से पता लग रहा है, इस पर आप लोगों को मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव पे, और आप लोगों को सेवन पाई बाई फोर पे आपका टू आया था ना डबल डेरिवेटिव, पॉजिटिव आया था, तो इस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू मिली है माइनस टू, डाउट नहीं आ रहा किसी को, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं।